आज हम बात करेंगे भारत में कायस्थ जाति के बारे में। यह वो जाति है जिसके लिए राष्ट्र गौरव और भारतीय राष्ट्रवाद के विचारों के अग्रदूत स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारतीय संस्कृति में जो भी कुछ है उसमें आधे से अधिक कायस्थ जाति की देन है। स्वामी विवेकानंद के विचार एक वास्तविकता है। भारत में कायस्थ जाति की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में विभिन्न मत प्रचलित है। अधिकतर कायस्थों के दिमाग में उत्तर भारत के आजकल ये दिमाग में बात आ गई है कि हम ब्राह्मणों का एक अंश है, ब्रह्मा से हमारी इसकी उत्पत्ति हुई। ये एक बिल्कुल भ्रामक अवधारणा है जिसका कोई ऐतिहासिक आधार या तथ्य नहीं मिलता है। दूसरी अवधारणा जो है कि बौद्ध लोग, जो बहुत से बौद्ध लोग बाद में हिंदू उसमें आ गए इस्लाम के आगमन के बाद, वो बौद्ध लोग कायस्थ के रूप में एक जाति की श्रृंखला में आए। ये बात कुछ हद तक सही है। अब इससे हम और प्राचीन काल में जाते हैं तो देखिए, दक्षिण भारत के जो कायस्थ हैं वो खास तौर से उड़ीसा और बंगाल में, बंगाल में सबसे ज़्यादा बसाव है कायस्थों का। ये लोग काली की पूजा करते हैं और काली को मानते हैं। उड़ीसा के लोग दुर्गा की पूजा करते हैं, दुर्गा को मानते हैं, दुर्गा को बंगाल के लोग भी मानते हैं। तो ये कायस्थ जाति के आदिम पूर्वज हैं। अब कायस्थ जाति में जो उत्तर भारत के लोग हैं, जो बिहार से शुरू होते हैं, ये लोग चित्रगुप्त भगवान की बात करते हैं और चित्रगुप्त जो है यम के दरबार में उनके सहायक के रूप में नजर आते हैं। अब ये बात क्या है इसको समझना है। यम जो है, जो यक्षों का साम्राज्य था, उस साम्राज्य में दक्षिण की ओर जो थे यम का लोकपाल थे, चार लोकपाल थे उनके, उसमें दक्षिण की ओर जो लोकपाल थे वो यम थे। यम के साथ समन्वय हुआ चित्रगुप्त का। चित्रगुप्त ने क्या किया, चित्र को गुप्त कर दिया, यानी यक्षों की लिपि जो चित्रलिपि थी उस चित्रलिपि को उन्होंने गुप्त कर दिया। ये है चित्रगुप्त। इसलिए भय खाते रखते हुए, लिखते हुए, सबका हिसाब किताब लिखते हुए चित्रगुप्त सामने आते हैं। अब चित्रगुप्त के साथ जुड़ के 12 कबीलों के लोगों ने ट्रेनिंग ली। अब उन्हें दो पत्नियों की संतान माना जाता है। उसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि उनकी एक पत्नी जो है यक्ष समुदाय की होगी और दूसरी पत्नी प्रोटो एस्ट्रोलाइट समुदाय की होगी, जो चित्रगुप्त का मूल संप्रदाय है, मूल प्रजाति है। तो उसके आधार पर वो 12 उपजातियां कायस्थों की उत्तर भारत में देखने को मिलती है और ये एक सुसंगत मत है। इसीलिए चूंकि प्रोटो एस्ट्रोलाइट ही सबसे ज्यादा बिहार के समाज में और इधर के समाज में शूद्र वर्ण के रूप में सामने आए। शूद्र इसलिए कि जंगल आश्रित जीवन जीते थे और व्यवस्था में शामिल नहीं होते थे। तो जब व्यवस्था में कृषि का कार्य बढ़ाने वाले समाज का निर्माण हुआ तो उसमें धीरे धीरे टोकरी बुनते हुए, बढ़ई का काम करते हुए, लोहार का काम करते हुए इनके कुछ परिवार उसमें एडजस्ट हुए, शूद्र कहा गया। लेकिन इन शूद्र राजाओं से, जो बंगाल और झारखंड और इस इलाके के राजा रहे होंगे, उनके साथ जो ब्राह्मणों का संघर्ष हुआ, उस कारण से यागवल की स्मृति लिखती है कि शूद्रों में महाशूद्र कायस्थ है, यानी उन राजाओं के चिंतक के रूप में जो नाग राजा थे उनके चिंतक के रूप में जो कायस्थ लोग उनके साथ रहे होंगे, यानी उनके जो लिखने पढ़ने वाले लोग रहे होंगे, विद्वान रहे होंगे, उसके लिए यागवल की स्मृति को लिखना पड़ा कि ये शूद्रों में भी महाशूद्र है। तो हम प्रोटो एस्ट्रोलाइट उन महाशूद्रों के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम इससे आगे अगर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो संघर्ष ब्राह्मणों और बौद्धों के बीच में हो रहा है उसमें अशोक के काल में हम देखते हैं कि अशोक के शिलालेखों पे तीन तरह के जानवरों को मारने की स्वीकृति है बंगाल और बिहार में, और जबकि दूसरी जगहों पे ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यक्ष संस्कृति के लोग शाकाहारी थे और अशोक ने शाकाहार की घोषणा की, जीवों पे दया करो, जीवों को मत मारो। लेकिन प्रोटो एस्ट्रोलाइट लोग जो उनके साथ सम्मिलित हुए उसके लिए उसने तीन चीजों की छूट दे दी और यही तीन चीजें कायस्थ खाते हैं, मछली, मुर्गा और बकरा।
तो तीन चीजों की उसने छूट दी जो उसके शिलालेखों में खुदा हुआ है। इनको खाने वाली जाति ये सबसे पक्का सबूत है जो ये साबित करता है कि कायस्थ जाति प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट ग्रुप से जुड़ के आगे बढ़ी, बाद में यक्षों से इसका समन्वय हुआ, इसलिए कुछ यक्ष अंश बीच में आया। ये है कायस्थ जाति का आदिम इतिहास, और इसलिए कायस्थ जाति को आज भी अगर हम देखें तो जब यहाँ पे भारत में मुसलमान आए तो अफगानिस्तान के लोग बौद्ध थे, और तुर्कों ने उन बौद्धों पे विजय प्राप्त करके अफगानियों को मुसलमान बनाया, सिंध के लोगों को मुसलमान बनाया, और इनकी सहायता से हिंदुस्तान में आए। तो इन अफगानी बौद्धों का लिंक जो था वो बंगाल तक था, तो इनके साथ सहयोग जो है बंगाल के उन बौद्धों ने करा जो मुसलमान तो नहीं बने लेकिन उनका सहयोग इनके साथ रहा। अलाउद्दीन खिलजी की एक कहानी है जिसमें वो अमीर खुसरो लिखते हैं कि उन्होंने ये कोशिश की कि भारत में फारसी में लिखा जाए, तो फारसी लिखने वाले लोगों को बुलाया गया, तो उसमें दो ही तरह के लोग आए, कायस और खत्री। खत्री इसलिए आए कि वो सिंध के इलाके में रहते हैं तो वहाँ फारसी का चलन प्रचलन था, लेकिन कायस एक ऐसी जाति थी जिसको हर भाषा सीखने का विशेष कुशलता थी, विशेष अधिकार था, और कुछ समन्वय भी इनका वहां तक रहा होगा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारण से। इसलिए कायस जाति तुर्कों के काल से ही सारा हिसाब किताब और लेखन के आधार में निकल गया। जिन मुगलों के बारे में आजकल अधिकतर कायस विरोध में बातें करते हैं, उन्हें समझना होगा कि इन मुगलों के सारे शासनकाल को और इनको इन तुर्कों के भी सारे शासनकाल में लिखत पढ़त का काम कायस्थों के जिम्मे था, और कायस्थों के जीविका का एक प्रमुख आधार यह था कि सारे गांव में पटवारी अधिकतर कायस्थ हुआ करते थे। लेखन का कार्य, जमीन की बंदोबस्त का कार्य नीचे से ऊपर तक, गांव से लेके और केंद्र तक कायस्थों के हाथ में था। तो मुगल काल में ये कायस्थ हर जगह उनके मंत्री के रूप में ऐसे नजर आते हैं, लेखक के रूप में नजर आते हैं, और अधिकतर जो लेखन जमीनों के संबंध में हुआ वो कायस्थों की ही देन थी। कायस्थों का फारसी लिपि पे भी अधिकार, यहाँ तक कि हमारे खानदान में हमारे बुजुर्ग लोग यानी हमारे बाबा और नाना जैसे लोग भी फारसी को जानते थे और फारसी में लिखने का उनका अधिकार था। तो ये है कायस्थ जाति का इतिहास। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो कायस्थ जाति जो राजनीति में पिछड़ गई, प्रशासन में कायस्थों के पास सबसे ज्यादा नौकरियां थी अंग्रेजों के जाने पर, क्योंकि हमारी जो जातिगत महारत थी इसलिए अंग्रेजी में भी हम महारथी बन गए और इसलिए ज्यादा नौकरी थी। लेकिन राजनीति को ना समझने के कारण राजनीति जब ब्राह्मणों के हाथ में आ गई तो आप देखिए कायस्थ नेताओं का क्या हुआ, जरा एक गौर इस पर भी करें। कायस्थ नेता सुभाष चंद्र बोस जो दुनिया में भारत का गौरव बन सकते थे, और अगर भारत में रहते, भारत को मुक्त कराते तो भारत की दशा और होती, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को जिंदा रहने के बावजूद भारत नहीं आने दिया गया, और उन पर यूरोपीय देशों द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए थे जर्मनी का साथ देने के कारण, इस कारण उन्हें अपने अंतिम समय को सोवियत संघ में अज्ञात रूप से गुजारना पड़ा। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने और उन्होंने पूरे देश में एक राष्ट्रीय एकता की लहर दौड़ा दी जिससे अमेरिका और रूस दोनों डर गए, और दोनों ने मिलकर ताशकंद समझौते के तहत उनकी हत्या करके अपने अपने प्रतिनिधियों को भारत का प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की। अमेरिका के प्रतिनिधि बने मोरारजी देसाई और सोवियत संघ की प्रतिनिधि बनी इंदिरा गांधी। दोनों ने अपना दाव खेला, सोवियत संघ के जीत हो गए, इंदिरा गांधी बन गई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, जिन्हें बाद में 1977 में ये मौका मिला। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उन्हें भी जेल में स्लो पॉइजन दिया गया, वो 77 के बाद नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं रहे, और मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री पद मिल गया। लोकनायक शायद जिंदा होते तो हो सकता है कि चौधरी चरण सिंह को या जगजीवन राम को वो प्रधानमंत्री बनाने में कामयाब होते। तो ये कायस्थ जाति के नेताओं की दशा रही। इस दशा और अपने हालात को समझते हुए कायस्थों को आज संगठित होना पड़ेगा अपने मूल वर्ग के साथ, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट लोगों के साथ जिन्हें शूद्र कहा जाता है उन लोगों के साथ, और भारत में एक सच्चे राष्ट्रवाद की स्थापना के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद।